एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैंने पहनी है साड़ी, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ साड़ी के लिए क्यूट का बन हेयर स्टाइल। तो किस तरीके से आपको करना, मैंने अभी एक सेकंड कॉल आ गया। हाँ जी, कितने का है? स्टैंडवा आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा पार्सल आ गया है एंड मैंने स्टैंड और एक साड़ी ऑर्डर की थी, वो भी अभी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो चलिए, तब तक हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। पार्सल तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले अपने बीच का मांग निकालूंगी। अगर आपको बीच का मांग नहीं निकालना है तो ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेंगे और पफ बनाएंगे। ओके, इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और पफ क्रिएट करेंगे एंड क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। क्लिप को कैसे लगाना है वो भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताई है अपनी, ताकि आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। वैसे भी आप देख लो एक बार, इस तरीके से वो ऑफ करके लगाना है। ओके, एक दो क्लिप और ऐड करूँगी मैं, ताकि मेरा जो हेयर स्टाइल है वो लंबे टाइम तक टिका रहे। अब फ्रंट से इस तरीके से हाफ हाफ हेयर लेंगे पहले और इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके इसको बैक साइड में लेके जाएंगे। ट्विस्टिंग को हल्का हल्का सा खींचेंगे क्योंकि मेरे फेस पे फ्लैटनिंग अच्छा नहीं लगता है। और क्लिप की मदद से इसको जहाँ पे हमने पफ का क्लिप लगाया था वहीं पे सिक्योर कर देंगे। एक लेयर निकाल लूँगी, अगेन सेकेंड लेयर लूँगी एंड ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके उसी क्लिप में इसको भी ऐड कर देंगे। देखा आपने? ओके, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, बहुत प्यारा लगता है एंड बहुत स्टाइलिश लगता है। आप साड़ी पे ये वाला पार्टी वार्टी में भी बना सकते हैं हेयर स्टाइल। सेम तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। सॉरी, जैसे इधर किया है वैसे ही करना है। तो ऊपर की तरफ से ही किया है हमने इस साइड भी। एक सेकंड, मेरा पार्सल आगे मैं ले लूँ। तो वो पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद से मैं अपना पार्सल आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे पता है आप लोग को भी पार्सल देखने की बेचैनी हो रही होगी जैसे मुझे हो रही है। बट रुक जाइए थोड़ी देर, हेयर स्टाइल पे कॉन्सेंट्रेट करो। दूसरी साइड से भी लेयर निकाल लेंगे एंड हेयर को लेंगे, ट्विस्ट करेंगे। सॉरी, तो इतनी सारी क्लिप्स मैंने लगा दी हैं। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसी तरीके से ओपन भी रख सकते हो बालों को। वाह, चाहो तो अगर खुला रखना है, छोटे बाल हैं तो इस तरीके से खुला रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। एंड इसके आपको खुला नहीं रखना है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, और या फिर आप पल्लू वगैरह रखना है तो खुले बाल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस तरीके से कॉम करो एंड एक रबर बैंड लगा लो। बहुत सिंपल सा इजी सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके छोटे पतले हल्के बालों में बहुत खूबसूरत सा बन बन जाएगा। उसके बाद आपको एक क्लचर ले लेना है। ओके, ये वाला हेयर स्टाइल दिख रहा है आप, एंड एक क्लचर लेना है। हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है। बड़ा सा क्लचर ले लेना अपने बालों के अकॉर्डिंग, इतना भी बड़ा नहीं कि आपके बाल उसके हाइट ना हो पाए। अब अच्छे से कॉम करेंगे इसको, क्लचर को ऐसे लगा देंगे जैसे मैंने लगाया है।
अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपका रबर बैंड के साथ ही आपके स्कैल्प के हेयर के साथ ही चिपका रहे, ठीक है। अब आपको इसको इस तरीके से बालों को फैलाना है और जितने में आपका क्लचर हाइड हो जाए उतने हेयर पे आपको रबर बैंड लगा देना है और हेयर को अंदर की तरफ रखेंगे। पतले हल्के बाल हैं तो क्लचर के अंदर इंसर्ट मत कीजिएगा हेयर को, आप इस तरीके से ऊपर की तरफ रखिएगा ताकि आपका क्लचर कहीं से दिखाई देता हो तो वो बालों की वजह से हाइड हो जाए। अच्छे से बालों को अंदर की तरफ इस तरीके से कर लेंगे और एक यूपिन लेंगे इसको इस तरीके से हेल्प हेयर का लगा लेंगे और टेस्ट चिप आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है, जो कि साड़ी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा एंड बहुत इजी है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे फ्लावर वाला यूपिन लगा सकते हो। तो आप इसको गजरे के साथ भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ये है हमारा फाइनल लुक साड़ी के लिए। तो आई होप कि आप आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और चलिए दिखाती हूँ क्या आया है, कौन सा प्रोडक्ट मैंने मंगाया था। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टैंड, इसमें ये दिया हुआ है मोबाइल वो करने के लिए। देन इसको निकालते हैं, ये 7 फीट लंबा है, 7 फीट लंबा है और बहुत अच्छा क्वालिटी दिया हुआ है इसका। ये इस तरीके से ओपन होगा, मैं दूर होके दिखाती हूँ। इस तरीके से ओपन होगा, इसको आप इस तरीके से रख सकते हो और ये 7 फीट लंबा है। यहाँ से ये देखिए पूरा मेरे बराबर का ही आ रहा है, और भी ऊंचा हो सकता है ये जितना ऊंचा आपको करना है, क्योंकि मेरे से भी लंबा है ये स्टैंड जो है। तो काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया ये। मैंने फ्लिपकार्ट से 338 रुपये में मंगाया है, इसका रेट 1500 है, बट ये मुझे बहुत पसंद आया, 1500 का है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा है यार। तो कैसी लगी आपको मेरा फर्स्ट स्टैंड, इसमें इसको वो कस देंगे यहाँ पे नट के साथ। और आपको अगर YouTube के लिए वीडियो बनानी है तो ऐसे करना होगा एंड Instagram वगैरह के लिए बनानी है तो ऐसे करना होगा, ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट, मैंने इसको Flipkart से मंगाया है। ये देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट का दिया भी हुआ है, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और सेकेंड जो चीज़ है वो है ये साड़ी मंगाई थी मैंने, इसको भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये साड़ी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ये मुझे 600 रुपये में पड़ी है, सॉरी ये साड़ी नहीं है, ये मीशो से मैंने मंगाया है एंड ये है मीशो से मंगाया है एंड ये मुझे 700 का पड़ा है। दो ये गाउन है जो कि गर्मी में घर में इस तरीके का जैसे पहनती हूँ और काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन में दिया हुआ है ये। तो मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा है ये। अभी मैंने डमी स्टैंड भी मंगाया है बट वो अभी तक आया नहीं, बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, मेरा सेल्फी स्टैंड बहुत लंबा है, 7 फीट है ये और ये गाउन मेरा बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।